हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें भले ही कटारा बस के रूप में जानी जाती हों, लेकिन दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए निगम की बसों को प्रॉपर सैनिटाइज करने का फैसला लिया गया। निगम की बसों में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं, जिसकी शुरुआत हमीरपुर डिपो से की गई है। प्रदेश के सभी डिपो को इसके निर्देश रविवार को ही जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जहाँ कोरोना वायरस के चलते आए दिन कोई न कोई फरमान जारी हो रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें भले ही खटारा रूप में जानी जाती हैं, लेकिन दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए निगम की बसों को प्रॉपर सैनिटाइज करने का फैसला लिया गया है। निगम की बसों में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं, जिसकी शुरुआत हमीरपुर डिपो से की गई है। प्रदेश के सभी डिपो को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां कोरोना वायरस के चलते आए दिन कोई न कोई फरमान जारी हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी प्रदेश के सभी डिपो की बसों को प्रॉपर सैनिटाइज करने को लेकर फरमान जारी कर दिए हैं। अभी तक निगम की बसों को बाहर और अंदर से सीट वगैरह को ही साफ किया जाता था, लेकिन अब बसों को अंदर से पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि निगम की लोकल व लॉन्ग रूटेड बसों में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में बसों के दरवाजे व हैंडल इत्यादि जहां पर यात्रियों के सफर के दौरान ज्यादा हाथ लगते हैं, उन स्थानों पर वायरस फैलने की ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए इनको सैनिटाइज किया जाएगा ताकि किसी तरह का वायरस यात्रियों को सफर के दौरान न जकड़ सके। बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रदेश भर में 27 डिपो हैं, इनमें करीब 3300 बसें हैं जो रोजाना बाहरी राज्यों व प्रदेश के अंदर दौड़ती हैं। इन सभी बसों को अंदर से पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। हमीरपुर डिपो में इसकी शुरुआत कर दी गई है। बसों को सैनिटाइज करने के उपरांत ही रूटों पर भेजा जाएगा ताकि कोई भी बस यात्री वायरस की चपेट में न आ सके। बता दें कि सीटियों की जो बसें प्रदेश में प्रवेश करते हैं उन्हें शनिवार से ही सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि बसों को वायरस से मुक्त किया जा सके। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।